हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे तिल की चटनी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी से थोड़ा कम सफ़ेद तिल, दो हरी मिर्च जिसे मैंने दो से तीन टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी अदरक, चार लहसुन की कली, 8 से 10 करी पत्ता, आधा चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें हम तिल डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और तिल भी अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च, इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1.5 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ तिल। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे ग्राइंड करते समय में और पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए हम एक तड़का पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और जीरा, मिर्ची को हम ब्राउन होने देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। मिर्ची ब्राउन हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इस चटनी के ऊपर तड़के को डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। तो मैंने इसे मिला लिया है। अब तिल की चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।